नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजर्स पे। तो हम लोग CUET एमएड का सिलेबस देखेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को पता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। आपका 25 मार्क्स का जो पेपर है, मतलब पेपर में जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल से आएंगे, ठीक है। जबकि आपका पार्ट बी होगा वो आपके कोर पेपर, यानी कोर मतलब आपका जो बीएड में आपने पढ़ा होगा उससे पूछा जाएगा। तो हम लोग पार्ट बी को डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो आपका यूनिट फर्स्ट में आपका बेसिक ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन पूछा जाएगा। मोड्स कितने हैं आपके एजुकेशन के, जैसे फॉर्मल, नॉन फॉर्मल है ना, ये सारे मोड्स आपके आएंगे, पेपर में पूछे जाएंगे। एम क्या है एजुकेशन का, ठीक है, एजुकेशन शिक्षा का एम क्या है। फिलॉसफी क्या है एजुकेशन का, ठीक है, फिलॉसफी एजुकेशन में क्या रोल निभाता है, ठीक है। मीनिंग याद कर लीजिएगा, स्कोप देख लीजिएगा फिलॉसफी का एजुकेशन में, फंक्शन क्या है फिलॉसफी का एजुकेशन में, रिलेशनशिप क्या है आपका एजुकेशन एंड फिलॉसफी का, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी आपका फिलॉसफी का एजुकेशन में सिग्निफिकेंस क्या है वो भी देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी, जैसे आपका नेचुरलिज्म हो गया, ठीक है, नेचुरलिज्म हो गया, आइडियलिज्म हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें आप जो है कवर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी देख लीजिएगा, आपका एम क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है अलग अलग में, नेचुरलिज्म में क्या है, जैसे आप सभी को पता है नेचुरलिज्म में जो आपका एजुकेशन होता है वो आपका प्रकृति के अंतर्गत करवाया जाता है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से प्रोपाउंडर है, कौन कौन इसको फॉलो करता था, आइडियलिज्म को कौन कौन फॉलो करता था, प्रैग्मेटिज्म को कौन, प्रयोजनवाद को कौन कौन फॉलो करता था, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसमें आपके टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट का क्या है ना, उसके सारे डिसिप्लिन्स एंड कॉन्सेप्ट जरूर कवर कर लीजिएगा। आपको थिंकर्स भी पढ़ना है, जैसे आपका महात्मा गांधी, ठीक है, आपको इकबाल को पढ़ना है, ठीक है, जॉन डीवी को पढ़ना है, एंड किसको पढ़ना है, रूसो को भी कवर करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है पार्ट टू, जिसमें कि हमें इंडियन सोसाइटी एजुकेशन को देखना है, जैसे यहाँ का सिस्टम कैसा था, ठीक है, पुरानी जो यहाँ पर वैदिक परंपरा थी उसको भी देखना है आपको, एंड उसके सब सिस्टम्स जो है उसको भी कवर करना है। नेक्स्ट हमारा है एजुकेशन एंड रिलेशनशिप विद इंडियन सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर, यानी एजुकेशन का भारतीय समाज में क्या आपका रिश्ता है उससे और क्या रिलेवेंस है, उसका स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा, ये आपके पार्ट टू में है, ठीक है, यूनिट टू में है। यानी सोशल डिमांड ऑफ एजुकेशन, समाज में क्या डिमांड है शिक्षा का, स्कूल एज अ सोशल यूनिट, आपका स्कूल जो है समाज में क्या भूमिका निभाता है इसको देख लीजिएगा। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन स्कूल लाइफ, यानी स्कूल लाइफ में कैसे डेमोक्रेसी आपकी होती है उसको भी कवर कर लीजिएगा, एंड कल्चर एंड एजुकेशन को भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है आपका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपका साइकोलॉजी का है, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी देख लीजिएगा, उसका रिलेवेंस क्या है, नेचर क्या है, मीनिंग क्या है, है ना, ये कवर कर लीजिएगा। नेचर, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लीजिएगा। लर्निंग एंड मोटिवेशन भी कवर कर लीजिएगा, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन, फैक्टर्स जो आपके इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को, जैसे आपका बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, फिजिकल फैक्टर भी होता है आपका, एंड आपका पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है। टेक्निक ऑफ इन्हेंसिंग लर्निंग मोटिवेशन, कैसे आपके कौन कौन से टेक्निक, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि लर्नर्स के मोटिवेशन को बढ़ाया जा सके, उसको भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है SR थ्योरी, जो कि आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इसको मैं कहूँगी। क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि आपके पावलोव के द्वारा दिया गया है, पावलोव का है, कुत्ते पे प्रयोग किया था इन्होंने, उसको भी कवर कर लीजिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि आपके स्किनर के द्वारा दिया गया था, इसको भी कवर कर लीजिएगा। गेस्टाल्ट थ्योरी, जो कि आपके वर्दिमर, कोलर, कोफ्का का है, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि आपके पियाजे की है, इसको कवर कर लीजिएगा। एंड सोशल डेवलपमेंट बाय वाइगोस्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे जो है प्रश्न बनते हैं, चाहे आपका स्कैफोल्डिंग हो गया, चाहे आपका और भी कोई चीज़ हो गया, तो इससे आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है, या फिर मोर नॉलेजेबल अदर का जो कॉन्सेप्ट है आपके वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया, ये भी आपका पेपर में आता है। बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, आपका इलेक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इसके मेन प्रोपाउंडर्स थे, इसको भी जरूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है यूनिट जो है 4, इसमें इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड साथ साथ ये बहुत लंबा भी आपका है, तो
इंटेलिजेंस क्या होता है, कितने तरीके के आपके इंटेलिजेंस होते हैं, है ना, मीनिंग क्या है उसका, नेचर क्या है आपका, मेजरमेंट कैसे किया जाता है आईक्यू का, ठीक है, कंसेप्ट किसके द्वारा, जैसे आपका दिया गया है, आपका स्टर्न के द्वारा दिया गया है कि आपके जो है अलग अलग जो है प्रोपाउंडर्स है, आपका टेबल किसके द्वारा दिया गया, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, वर्बल एंड नॉन वर्बल, है ना, परफॉर्मेंस टेस्ट जो आपका टेस्ट होता है आईक्यू का बेसिकली, उसको भी याद कर लीजिएगा। आजकल जो है भाटिया बैटरी टेस्ट बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, तो उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टू फैक्टर थ्योरी, जो कि आपके स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है, मल्टी फैक्टर थ्योरी जो कि थ्रस्टन के द्वारा दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चरल इंटेलेक्ट, जो कि आपके गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि आपके हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है, उसको भी कवर कर लीजिएगा। पर्सनैलिटी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसका मीनिंग, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बायोलॉजिकल एंड सोशल कल्चर जो डिटर्मिनेंट है पर्सनालिटी के, इसको आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। ब्रीफ व्यू ऑफ ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी जो आपके अलग अलग थ्योरीज दिया गया है, आपको पता है ट्रेट एंड टाइप थ्योरी होती है आपके पर्सनालिटी के अंतर्गत, तो ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो कि एल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। एंड फैक्टर थ्योरीज जो है आपके कैटल के द्वारा दिया गया है, उसको भी देख लीजिएगा। साइकोएनालिटिकल थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके फ्राउड का है ना, सिगमंड फ्राउड के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि आपका क्या बताता है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, उसको भी कवर कर लीजिएगा। मैस्लो का आपका जो हायरार्की स्टेज है, आपका स्टेजेस है, सेवन स्टेजेस दिए गए आपके मैस्लो के द्वारा, उसको भी कवर कर लीजिएगा। एंड एडुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, सारे का आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा का जो है डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है आपके समाज में, उसको भी कवर करने की कोशिश करिएगा। हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव ऑन एडुकेशन चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, यानी जो आपके अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, या फिर आपके इंटेलिजेंट जो होते हैं बच्चे, है ना, उनके बारे में उनके क्या नीड्स है, उनकी जो है क्या रिक्वायरमेंट्स है एजुकेशन के लिए, उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन द स्पेशल एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के बीच का, चाहे आपका नॉर्मल एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव, अभी अभी के परिवेश में कौन सा एजुकेशन ज़्यादा चल रहा है उसको भी देख लीजिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या एडवांटेज है हमारे सोसाइटी में, उसको भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है द कंसेप्ट यूनिट, जो है आपका सिक्स है, द कंसेप्ट एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी आपके मैनेजमेंट वाले पार्ट से है ये, एजुकेशन मैनेजमेंट देख लीजिएगा, बेसिक मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, कंट्रोल डायरेक्शन एंड फाइनेंसिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको भी कवर करने का कोशिश किया करिएगा, ठीक है। एंड स्कूल एज अ यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, स्कूल को जो है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के तहत देखा जाता है, उसको भी कवर करने का कोशिश करिएगा। मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक को भी देखिएगा, केस स्टडी है ना, मैन पावर सर्वे और आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी EMIS, इसको भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, आपका सिलेबस थोड़ा लेंदी है, आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि आप लोग जो है एमएड करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात आपको सिलेबस लेंदी मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है, उसमें हम नेचर एंड स्कोप एंड ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पार्ट से ही आ गया, तो क्या है नेचर एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस, उसको देख लीजिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट दिया किसने है ना, डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, आपका प्रोफेशनल काउंसलिंग क्या होता है, फेजेस ऑफ काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, असेसमेंट क्या है, इंटरवेंशन क्या है ना, टर्मिनेशन क्या है, एंड क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव काउंसलर, यानी एक इफेक्टिव काउंसलर के लिए उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, इसको भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, यानी आपके एलिमेंट्री एजुकेशन इंडिया में उसका कंसेप्ट कब आया, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, उसका जो है आपका क्या गोल है एलिमेंट्री एजुकेशन का। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ लीजिएगा। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर्व शिक्षा अभियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं टिक कर रही हूँ। एंड RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि 2009 में आया, उसको भी कवर कर लीजिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये एडिशनल है। नेक्स्ट हमारा है करंट इशू, जैसे आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू द सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2002 में आया था, उसके अंतर्गत जो है आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए आपकी, फ्री
एंड क्या होने चाहिए, अनिवार्य, जो कि 2009 में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये भी आप कवर कर लीजिएगा। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन स्पेशल नीड, यानी जो आपके स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कैसा एजुकेशन हो और कैसा आपका जो है उनको सपोर्ट दिया जाए वो भी पढ़ लीजिएगा। वुमेन एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो उसके बारे में कुछ जो है आपके आयोग बनाए गए हैं उसको भी कवर करिएगा। एंड एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन यानी EWS या फिर आपके OBC SC ST के लिए जो आपका प्रावधान किया गया है उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है टीचिंग प्रोसेस, ठीक है, लास्ट पार्ट है, 10th आपका पार्ट है ये सिलेबस थोड़ा वास्ट है आपका। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपका जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो या फिर आपका आप जानते हो कि कई मैक्सिम्स आपके होते हैं उसको भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेक्निक्स ऑफ टीचर प्रिपरेशन, जैसे आपका माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट किसके द्वारा भारत में दिया गया, DD Tiwari के द्वारा दिया गया, ठीक है, या फिर आपके LN के द्वारा दिया गया है, नेचर क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, एंड साथ साथ उसका साइकिल भी आप कवर कर लीजिएगा, मीनिंग एंड पोजिशन एंड फेजेज एंड स्टेजेस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो टीचिंग का जो आपका स्टेजेस है, फेज कितने हैं, कितने कितने टाइम का वो होता है, आप जरूर उसको कवर कर लीजिएगा। सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, मीनिंग क्या है, रोल क्या है, रोल प्ले क्या होता है उसके अंतर्गत, वो भी कवर करिएगा, उसका एडवांटेज लिमिटेशन सारा कुछ देख लीजिएगा। प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या, उसको कवर कर लीजिएगा। एंड प्रिंसिपल एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी कवर करने का कोशिश करिएगा। तो मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया आपको सिलेबस, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आपके एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको वीडियो अवेलेबल करवाया जाएगा, क्योंकि मैंने जो है अपना बीएड कंप्लीट कर लिया है एंड साथ ही साथ जो है मेरे सारे आपकी सीटेड टेट की भी डिग्री हो चुकी है। तो आप लोग कोई भी दिक्कत होगा इससे रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग को फुल सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।